Bismillahir Rahman Rahim Assalamu Alaikum Lecture number 25 Grade 9 Sections are A B and C Subject is Biology Unit number 4 Topic is Animal Tissue Connective Muscle and Nervous Tissues Page number 75 76 and 77 So let's start with lecture number 25 Recap In the last lecture, we studied about epithelial tissues and its different kinds. Objective In this lecture, we will study about nervous, muscle, and connective tissues. All these are the animal tissues. Drill words First drill word is extracellular matrix. Outside the cell. और नॉन सेलुलर पोर्शन ऑफ आर टिश्यू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हम कहते हैं कि वो पोर्शन जो कि सेल के, के बाहर होता है जो सेल से रिलेट नहीं करता जो सेल के अंदर मौजूद नहीं होता सेकेंड वन इज़ एबडमन द पार्ट ऑफ वेयर द स्टमिक एंड इंटस्टाइन आर प्रेजेंट हमारी बॉडी का वो पार्ट जहाँ पर हमारा स्टमिक इंटस्टाइन उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं उसको एब्डोमेन कहा जाता है और उस पूरी एरिया को एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है नेक्स्ट वन इज़ कार्टिलेज। कार्टिलेज हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बोन जो होती है फ्लेक्सिबल जो के एज इट इज़ बोन की तरह हार्ड नहीं होती बल्कि हम उसको अगर बैंड uh, करें तो वो बैंड हो जाती है ये प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जैसे कि हमारा जो ईयर होता है आउटर ईयर पिन्ना जिसे हम कहते हैं वो फ्लेक्सिबल होता है उसमें कार्टिलेज होता है उसके अलावा हमारे नोज़ की जो टिप होती है वो फ्लेक्सिबल होती है उसमें कार्टिलेज मौजूद होता है नेक्स्ट वन इज़ एडिपोज एडिपोज टिश्यूज़ आर द टिश्यूज़ डेट स्टोर द फैट्स ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि फैट्स को स्टोर करते हैं ये हमारी जो स्किन होती है उस स्किन की लेयर के नीचे वाली जो लेयर होती है वो एडिपोज टिश्यूज़ ही होते हैं एडीपोज टिशू फैट्स टिश्यूज़ होते हैं तो जब हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है फूड एनर्जी चाहिए होती है तो ये जो फ़ैट्स होती हैं यही ब्रेकडाउन हो के इनर्जी प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट वन इज स्टेरेटेड स्टेरेटेड हम कहते हैं डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट ऑन मसल्स मसल्स के ऊपर जो डार्क या फिर लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं लहरें सी प्रेजेंट होती हैं उनको हम स्टेरटड कहते हैं स्टेरिएशंस कहा जाता है बेसिकली उसे तो मिट जिस मसल पर प्रेजेंट होगा उसे हम स्टेरिएटेड कहते हैं जैसे हम मीट खाते हैं तो uh, मीट के जो रेशे रेशे हमें पता चलते हैं ना उसके देखने से भी फील होता है और उसको सेपरेट करके हम देख भी सकते हैं बिल्कुल ये वही वही बैंड जो ये वही रेशे जो हम देखते हैं उसको हम स्टेरिएशंस कहते हैं द लास्ट वन इज़ ट्रेकिया ट्रेकिया इज़ अ ट्यूब डैट इज़ द पार्ट ऑफ़ रेस्पाटरी सिस्टम हमारा जो रेस्परेटरी सिस्टम होता है वो सिस्टम जिसके थ्रू हम ब्रीदिंग करते हैं हम सांस लेते हैं उसमें हमारी जो नेक आती है नेक में एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उस ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर को हम ट्रे किया कहते हैं सो so, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं हमने लास्ट लेक्चर में एपिथीलियल टिश्यूज़ पढ़े थे जो फर्स्ट टिशू हमने एनिमल टिशू के लिहाज से पढ़ा था हमने उसकी डिफरेंट काइंड देखी थी आज हमने बाकी जो एनिमल टिशूज़ हैं उनको देखना है तो जो हम सेकेंड वाला हम स्टार्ट करें वो है कनेक्टिव टिशू कनेक्टिव टिशू जो है इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि ये क्या करता है कनेक्शन सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे दैन इसका फंक्शन देखेंगे स्ट्रक्चर हैज़ सेल्स कैटर थ्रू आउट द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके जो सेल्स होते हैं वो पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर स्कैटर्ड हुए होते हैं बिखरे हुए होते हैं फंक्शन इट प्रोवाइड कनेक्शन जैसे कि हमें नेम से क्लियर हो रहा है कनेक्टिव है तो डेट्स मीन ये कनेक्शन कायम करता है किसके दरमियान कनेक्शन कायम करता है टिश्यूज़ के दरमियान या फिर बॉडी पार्ट्स के दरमियान एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल हो जाती है बोन अब बोन देखे मैं पता है ना कि बॉडी के एक पार्ट को बॉडी के दूसरे पार्ट से बोन कनेक्ट कर रही होती है इसलिए में कंसिडर की जाती है कनेक्टिव टिश्यूज़ में उसके अलावा कार्टिलेज कार्टिलेज भी हमारे बॉडी की में बोन ही होती है वो अलग बात है कि उसकी नेचर बोन से डिफरेंट होती है थोड़ी सी ये सॉफ्ट होती है उसके अलावा जाता है ब्लड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है इस तरह से बॉडी में एक ऑर्गन को या एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ लिंक करने में ब्लड का बहुत अहम रोल होता है इसलिए ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू में कंसीडर की जाती है नेक्स्ट आता है एडिपोस टिश्यूज एडिपोस टिश्यूज ये हमारे फैटी टिश्यूज ही हैं लेकिन ये भी मैंने आपसे कहा कि इसकी लोकेशन जो होती है हमारी स्किन के नीचे इसकी पूरी लेयर प्रेजेंट होती है तो इस तरह से स्किन के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ ये लिंक करती है सिर्फ स्किन के नीचे ही नहीं प्रेजेंट होती ये और भी पार्ट्स होते हैं हमारे जैसे कि किडनीस किडनीज के ऊपर उसके इर्द गिर्द भी प्रेजेंट होते हैं सो ये देखें कनेक्टिव टिश्यूज़ की आपको दिखाई जा रही हैं डायग्राम सबसे पहले कार्टिलेज आपको शो हो रहा है कार्टिलेज के सेल्स नज़र आ रहे हैं उसके अलावा रबरी मैट्रिक्स तो ये देखें मैट्रिक्स के अंदर इसके सेल्स जो हैं वो बिखरे होते हैं बोन बोन में आपको नज़र आ रहा है बोन क्योंकि हमें पता है सख्त होती है इसलिए उसका जो मैट्रिक्स होता है वो भी हार्ड होता है उसके बाद देखिए ब्लड ब्लड सेल्स में पता है तीन तरह के ब्लड सेल्स होते हैं आर मतलब रेड ब्लड सेल डब्ल्यू मतलब वाइट ब्लड सेल्स एंड लास्ट वन इज प्लेटलेट्स तो ये तीनों तरह के ब्लड सेल्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं एडिपोज टिश्यूज़ हम फैट्स को कहते हैं देखिए इसमें फ़ैट ड्रॉपलेट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और साथ में न्यूक्लियस जो है हर सेल के अंदर मौजूद है नेक्स्ट वन इज़ मसल टिश्यूज मसल्स हम किसे कहते हैं हमारे जो मसल्स होते हैं हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं या उसके अलावा हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में मसल्स प्रेजेंट होते हैं तो मसल्स के जो टिश्यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं मसल टिश्यूज सबसे पहले इसके करेक्टर्स देखते हैं कॉन्सिस्ट ऑफ बंडल ऑफ फाइबर्स कार्ड मसल फाइबर्स बंडल ऑफ फाइबर्स जो होते हैं उस पर मुश्तमिल होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं मसल फाइबर्स फ़ाइबर्स हम कहते हैं धागे की तरह की कोई चीज़ जैसे कि आप मीट खाते हैं सिंपल चिकन की एग्जाम्पल ले लें तो कोई इस तरह का पीस हो जो कि बोनलेस होता है जिसके साथ बोन bon मौजूद नहीं है आप उसको ऑब्जर्व करके देखें तो वो हमें उसके रेशे प्रॉपरली नजर आ रहे होते हैं या आप बोन वाले को ही देख ले चाहे लेग पीस को अगर आप देखो तो उसके भी हमें रेशे नज़र आ रहे होते हैं तो वो जो रेशे हैं वो इसके क्या है फाइबर्स जिसको हम क्या कहते हैं मसल फाइबर्स ठीक है नेक्स्ट वन इज़ हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कोर्स ये मसल की टिश्यूज़ हैं तो इनके पास ये खासियत होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करें यानी सुखड़ जाएँ और रिलैक्स करें मतलब फैल जाएँ तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जब ये करते हैं तो ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं टाइप्स ऑफ द मसल टिश्यूज मसल टिश्यूज़ की तीन टाइप्स होती हैं स्केलेटल मसल्स स्मूद मसल्स एंड कार्डियक मसल्स सबसे पहले जाते हैं स्केलेटल मसल्स स्केलेटल मसल्स के करेक्टर्स हम पढ़ें तो हैव स्ट्रिएशंस इसके ऊपर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रिएशंस को हमने दो तीन दफ़ा डिस्कस कर लिया हुआ अटैच टू बोन्स क्योंकि हम स्केटल मसल की बात कर रहे हैं तो स्केलेटल वर्ड निकला है स्केलेटन से ढांचा मतलब तो वो मसल्स जो कि हमारे ढांचे मतलब स्केलेटन के साथ अटैच हैं उसको क्या कहा जाता है स्केलेटल मसल्स नेक्स्ट वन सेल्स हैव मैनी न्यूक्लियाई इनके जो सेल्स होते हैं उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं दे आर वोलेंट्री वोलेंड्री मीन्स कि ये हमारे कंट्रोल में होते हैं ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी बाजू को मूव करते हैं तो हम अपनी मर्जी से करते हैं ना उस हम उसको मूव करने से रोक भी सकते हैं और चाहें तो मूव कर भी सकते हैं तो बाजू की जो बोन है उसके साथ जो हमारे मसल्स अटैच हैं वो कौन से हैं स्केलेटल मसल्स फंक्शन इसका क्या होता है प्रोवाइड मूवमेंट टू बोन ये बोन्स जो होती हैं उसको मूवमेंट देते हैं हरकत देते हैं हरकत कैसे देंगे जब ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करते हैं तो ये देखिए बेटा आपको डायग्राम नजर आ रही है और डायग्राम में आपको ये लाइनें भी नज़र आ रही हैं जिसको हम स्ट्रिएशंस कहते हैं और उसके अलावा मसल सेल अब एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान जितना पीस है उसको एक सेल कहा जाएगा और इसमें न्यूक्लियस भी आपको नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट वन स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल्स मतलब फ्लैट ऊपर से बिल्कुल क्लियर कट तो फिल स्मूद है तो डैट्स मीन उसमें कोई स्टीएशन मौजूद नहीं होगी कोई बैंड वगैरह प्रेजेंट नहीं है हैज़ वन वन सेल हैज़ वन न्यूक्लाई इसमें क्या होता है कि एक सेल जो है उसमें एक न्यूक्लाई मौजूद होता है अब ये पाई कहाँ कहाँ पे जाती है स्केल्टियल का तो हमने पढ़ा कि ये हड्डियाँ जहाँ जहाँ होंगी वहाँ वहाँ जो भी मसल अटैच होंगे वो स्कैल्टियल मसल्स ही होंगे तो स्मूथ मसल्स किधर पाए जाते हैं इट इज़ फाउंड इन एलिमेंट्री किनाल एलिमेंट्री की नाल हम हमें पता है कि हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री की नाल कहते हैं जो कि माउथ कैविटी से स्टार्ट होता है और इनस तक जाके ख़त्म होता है उसके बाद आता है यूरनरी ब्लैडर यूरनरी ब्लैडर जो होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरेंडरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है इसके अंदर जो यूरिन होता है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है मतलब आर्जी तौर पर स्टोर होता है उसके जो मसल्स होते हैं वो भी स्मूथ मसल्स होते हैं एंटीजल्सो फाउंड इन ब्लड वेसल्स जो ब्लड वेसल्स होती हैं खून की नालियाँ जो होती हैं ये उसमें भी पाया जाता है ब्लड वेसल तीन काइंड्स की होती हैं आर्टरीज आर्ट्रीज एंड कैपलेटीज नेक्स्ट वन इज़ दे आर इनवोलेंट्री इन वोलेंट्री मीन्स ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते हमारे शौरी कंट्रोल में नहीं होते लाशौरी होते हैं मतलब इनकी मूवमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे कि हमने कहा कि ये एलिमेंट्री किनार में प्रेजेंट है तो एलिमेंट्री किनाल में सिंपल आप एग्जांपल हैं तो स्टमिक है स्टमिक जब आपकी फूड डाइजेस्ट करता है तो क्या आपसे पूछता है कि वो डाइजेस्ट करे या ना करे ऐसा नहीं होता ना ना ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हो ना आप उसको रोक सकते हो आपके अंडर आपके अंडर कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है उसकी मूवमेंट इसलिए किस में आएगी इन वोलेंट्री मूवमेंट के अंदर नेक्स्ट है इसका फंक्शन दे आर रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटांसिस ये मूवमेंट की सॉरी सब्सटांसिस की मूवमेंट में रोल प्ले करती है ये आपको डायग्राम नजर आ रही है इसमें देखिये मसल सेल्स नजर आ रहे हैं हमें और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसके अंदर नजर आ रहा है नेक्स्ट आता है कार्डिक मसल्स कार्डिक आप लोगों ने वर्ड सुना का कार्डियोलॉजी कार्डिक हार्ट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है तो हार्ट के जो मसल्स होते हैं उससे क्या कहा जाता है कार्डिक मसल्स सो द सेल्स ऑफ द कार्डिक मसल्स आर स्टीरिएटेड इसमें भी बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं लाइने लाइनें स्टेरिएशन ईच सेल हैज़ वन न्यूक्लियस इसका एक सेल जो होता है उसमें एक न्यूक्लियस मौजूद होता है फाउंड इन हार्ट ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं दे आर इन्ड्री ये भी इन्वोलेंड्री होते हैं हम हार्ट की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते ठीक है उसके बाद आता है फंक्शन इसका फंक्शन क्या होता है इट प्रोड्यूस हार्ट बीट ये दिल की धड़कन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है क्योंकि जब इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो उसकी वजह से लभ की आवाज़ प्रोड्यूस होती है जो कि हमारी हार्ट बीट होती है ये देखिए आपको डायग्राम में नजर आ रही है इसकी स्ट्रिएशन मसल सेल्स हैं इसके जंक्शन बिटवीन द एडजस्टेंट सेल्स ये जो आपको ब्लैक ब्लैक जिक जैक लाइक नज़र आ रही हैं ये क्या है जंक्शन है जोड़ हैं दो एडजस्टेंट सेल मतलब साथ साथ वाले जो सेल्स मौजूद होते हैं उनके दरमियान कनेक्शन है ठीक है उसके अलावा आपको ब्लैक न्यूक्लियस uh, भी नज़र आ रहे हैं सो लास्ट एनिमल टिश्यू इज़ नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू जो है नर्वस सिस्टम के लिए यूज़ होता है नर्वस सिस्टम हम कहते हैं हमारा जो ब्रेन स्पाइनल कोड और नर्व्स हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं सो so, हमारे नर्वस सिस्टम के जो टिश्यूज़ होते हैं उसको क्या कहा जाता है नर्वस टिश्यूज़ सो दे आर कंपोज ऑफ नर्व सेल्स ये किसके बने होते हैं नर्व सेल्स या फिर न्यूरोन से मिलके बने होते हैं नर्व सेल न्यूरोन एक ही चीज़ें नाम उसके लिए दो यूज़ किए जाते हैं नर्व सेल क्या करते हैं कैरी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स नर्व सेल्स जो होते हैं ये मैसेज को लेके जाते हैं बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक किस फॉर्म में लेके जाते हैं नर्व इंपल्स की फॉर्म में जो नर्व इंपल्स होता है ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म होती है मैसेज की इलेक्ट्रिकल फॉर्म हम इसलिए इसे कहते हैं कि इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि हम इसको जज भी नहीं कर पाएंगे हम देख भी नहीं पाएंगे इसे नेक्स्ट आता है इसकी लोकेशन ये कहाँ कहाँ पाया जाता है मैंने स्टार्टिंग में बात की कि हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है सो so हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है स्पाइनल कोड आता है और नर्व्स आती हैं स्पाइनल कोड जो होती है हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है मतलब बैकबोन जो होती है उसके अंदर मौजूद होती है फंक्शन इसका क्या होता है कोआर्डिनेशन रब्त कायम करना रहा कायम करना बॉडी पार्ट्स के दरमियान ठीक है ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है नर्व सेल की इसके बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने देखा है अगर आपको इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आए तो आपने इसके साथ इसकी डायग्राम कंपलसरी बनानी है ज़रूरी है आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है हर टिश्यू का उसके अलावा उनके फंक्शन बताने हैं और ये भी बताना है कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है जिस तरह के हमने इसको बारी बारी डिस्कस किया उसके अलावा आपको ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है तो ये था आज का लेक्चर होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा ओके अल्लाह हाफिज़